राइट, वो एक्चुअली 2019 में मतलब बहुत सारी जगहों पे नहीं काम करी, क्योंकि मेरे सिस्टम पे भी नहीं काम करी थी, इसीलिए मैंने बोला था इसको एक बार चेक करिएगा आप लोग। ऑल्ट F9 2003 में काम करती है, आई गेस 7 में भी काम करती है। आप विंडोज के साथ H प्रेस करेंगे, सॉरी विंडोज की के साथ M प्रेस करेंगे तो भी मिनिमाइज हो जाती है विंडो। बस यही चार पांच लोगों ने, तो किसी और का सिस्टम, कहाँ घर पे रहते हो या फिर रूम पे? तो रूम पे तो बहुत सारे ऑप्शन, मतलब आसपास के लोग होंगे ना जिनके पास सिस्टम होगा, किसी के पास नहीं है? आपने ग्रुप ऑफ पीपल ही ऐसे रखा है जिनके पास सिस्टम ना हो? कोई ऐसा दोस्त है जिनके पास लैपटॉप है? वो मुलायम सिंह वाला भी नहीं है? हाँ, क्योंकि उन्होंने एक काम तो बहुत अच्छा किया है कि हर घर लैपटॉप, भले लाइट पहुंचाई नहीं पहुंचाई, बट लैपटॉप तो आई गेस सबको दे दिया है उन्होंने, और काफी मजबूत लैपटॉप रहा है वो। हाँ अच्छा, आपके पास चल रहे हैं? नहीं, वास्तव में वो बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। आपके पास है? एक भाई को दे दो। हाँ चलो चलिए, ठीक है। आज हम क्वेश्चन आंसर, आज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट है, उनको थर्ड जनरेशन को हम प्रोसेसर बोलते हैं, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो का सिंपल सा मतलब है जब माइक्रो सेकेंड्स में प्रोसेसिंग होनी स्टार्ट हो गई, तो वहां से आपके माइक्रो प्रोसेसर आ गए, और माइक्रो सेकेंड में प्रोसेसिंग तब होनी स्टार्ट हुई जब आपके बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स एक साथ काम करने लगे, ठीक है, या बहुत सारी इंटीग्रेटेड सर्किट एक साथ काम करने लगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज्ड टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन विद क्वांटिटीज यूजुअली यूजिंग द बाइनरी नंबर सिस्टम इज नोन एज डिजिटल। जब भी हम बाइनरी नंबर की बात करते हैं, कोई भी कंप्यूटर, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है ना एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, तो डिजिटल कंप्यूटर आपके कैसे कंप्यूटर हैं जो कि बाइनरी नंबर से डील करते हैं, 0 1 से डील करते हैं, राइट? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट आपका है, विच यूनिट एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम द यूजर? इनपुट। इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइसेस यूजर से इंस्ट्रक्शंस और डेटा को एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है? आउटपुट डिवाइसेस यूजर को रिजल्ट्स देती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस स्टोर करती हैं जो भी उसका रिजल्ट आता है, और प्रोसेसिंग यूनिट उस इनपुट को प्रोसेस करता है, ठीक है? नेक्स्ट है आपका, द रिजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर आर स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ DPI, डॉट पर इंच। देखो CPM की बात करें तो ये होता है कैरेक्टर पर मिनट, कैरेक्टर पर मिनट, 1 मिनट में कितने कैरेक्टर्स। अगर हम PPM की बात करें तो पेज पर मिनट, पेज पर मिनट, और अगर LPM की बात करें तो लाइन पर मिनट, और DPI क्या होता है? डॉट पर इंच, 1 इंच में कितने डॉट होते हैं। ये तीनों आपकी स्पीड को मेजर करते हैं, ठीक है, कि कितने कैरेक्टर्स पर। जस्ट अ सेकेंड गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट। चल, तो यहां पे डॉट पर इंच आपके लेजर प्रिंटर या किसी भी प्रिंटर की,
किसी भी प्रिंटर की क्वालिटी को चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डॉट पर इंच, 1 इंच में कितने डॉट्स हैं, ये बताता है आपका उस प्रिंटर की क्वालिटी क्या है, ठीक है? क्योंकि आपके आपकी जो स्क्रीन है वो किससे बनी होती है? पिक्सल से। और इन पिक्सल्स में अगर हम कुछ प्रिंट कर रहे हैं तो कितने पिक्सल्स और कितने पास पास वाले पिक्सल्स आपस में प्रिंट होके आ रहे हैं, उससे आपकी क्या निर्धारित होती है? क्वालिटी। और कैरेक्टर पेज लाइन की, 1 मिनट में कितने कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है, 1 मिनट में कितने लाइन, कितने आपके पेजेस, इससे क्या होगा? स्पीड, प्रिंटर की स्पीड, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो उस क्वेश्चन का सही आंसर था डीपीआई। नेक्स्ट है आपका, अच्छा, अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द प्रिंटेड टेक्स्ट, ड्राइंग और द अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म इज कॉल्ड स्कैनर। स्कैनर का क्या काम है? सॉफ्ट कॉपी को, सॉरी, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना। और यहाँ पे यही बोल रहा है कि लाइट सेंसिटिव डिवाइस, क्योंकि लेजर का यूज कर रहा है वो। नेक्स्ट है दैट कन्वर्ट्स, जो कि बदलता है प्रिंटेड टेक्स्ट, ड्राइंग और अदर इमेजेस। कोई ड्राइंग है, कोई टेक्स्ट है, मतलब कोई पेज है आपका, उसको कन्वर्ट किसमें करता है? डिजिटल फॉर्म में। सॉफ्ट कॉपी बोले या डिजिटल फॉर्म बोले, दोनों सेम है। तो ये क्या काम करता है? स्कैनर। और स्कैनर आपका कैसी डिवाइस है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है? प्लॉटर और प्रिंटर आपके क्या करते हैं? ए आउटपुट डिवाइस है। और क्या काम है इनका? ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। ओएमआर का क्या काम है? ओएमआर क्या है आपकी? एक इनपुट डिवाइस है। और इसका क्या काम है? ओएमआर शीट, या फिर आप बोल सकते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर शीट जो है उसको चेक करने के लिए आपका ओएमआर यूज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस, ठीक है? क्या बोलते हैं? प्रोसेस। कोई भी प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूशन में है तो उसको क्या, वो क्या कहलाता है? प्रोसेस, ठीक है? इसी वजह से चाहे आप सॉफ्टवेयर बोलें, चाहे प्रोग्राम बोलें, चाहे प्रोसेस बोलें, एक ही चीज होती है। बस रनिंग प्रोग्राम आपके प्रोसेसेस होते हैं। नेक्स्ट है फॉर कंपैरिजंस एंड कैलकुलेशन, वेरी गुड, फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, राइट? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट्स के पार्ट, ALU और कंट्रोल यूनिट्स पार्ट हैं आपके सीपीयू के, और प्रोसेसर भी आपका क्या है? सीपीयू ही है। नेक्स्ट है, इन अ टिपिकल कंप्यूटर ऑपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज पुट इन यूज। कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए कौन सी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं? रैम का, ठीक है? रीड ओनली मेमोरी कब इस्तेमाल की जाती है और क्यों इस्तेमाल की जाती है? रीड ओनली मेमोरी क्यों इस्तेमाल की जाती है? क्या करने के लिए? प्रोसेस तेज करने के लिए? नहीं, रीड ओनली मेम, हाँ, कौन से डेटा को? डेटा को तो परमानेंट आपका सेकेंडरी स्टोरेज भी करता है, तो फिर हमें रोम की क्या जरूरत है? जैसे डेटा को स्टोर करने की अगर बात है तो आपकी जो हार्ड डिस्क है उसमें भी तो डेटा परमानेंट स्टोर करते हैं, तो फिर रोम की क्या जरूरत है? मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, प्लीज डोंट डिसअपॉइंट मी। आप बताओ, बताओ, नहीं पता? देखो फिर से सुन लो, जब आप सिस्टम ऑन करते हो तो कोई तो होना चाहिए ये बताने के लिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे रखा है, राइट? तो रोम में क्या स्टोर होते हैं? परमानेंट सॉफ्टवेयर,
जो कि ये बताते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे कहाँ से लोड होना है, डेट एंड टाइम आपकी कहाँ पे सेट होनी है, और बाकी की जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है कि जब आपका सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, जैसे रैम आपकी कैसी है, वॉलेटाइल टेम्परेरी, जो काम आप कर रहे हैं वो काम आपका रैम में होता है, बाकी डिलीट हो जाता है। रोम एक परमानेंट मेमोरी है और उसमें सिर्फ और सिर्फ ये सॉफ्टवेयर रखा जाता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कितने लोगों को याद है, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS नाम का सॉफ्टवेयर आपका कहाँ पर होता है, रोम में। और इसको हम क्या बोलते हैं, फर्मवेयर, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आपका परमानेंट रोम में पड़ा रहता है और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बताता है, मैनेज करता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से लोड होगा। आप CD से लोड कर रहे हो, आप हार्ड डिस्क से लोड कर रहे हो, आप पेन ड्राइव से लोड कर रहे हो, या किसी दूसरी डिवाइस से लोड कर रहे हो, ये आपका बताता है। सेकेंड, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी अटैच हैं वो प्रॉपरली काम कर रही हैं या नहीं, कितनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है उस टाइम पे कौन सी मेमोरी सबसे पहले एक्टिव होती है, रोम, ठीक है। और रोम की हेल्प से ही, रोम में एक तरह से एड्रेस होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे रखा है, उसके बाद उस एड्रेस पे जाके ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे लोड होता है, रैम में, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम रैम पे लोड होगा तभी तो CPU प्रोसेस करेगा, तभी तो आपको जो स्क्रीन दिखती है वो दिख रही है, ठीक है। चले नेक्स्ट आपका है, द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर्स इज टू कन्वर्ट द गिवेन डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करना है, कंटेंट ऑफ मेन मेमोरी, टेक्स्ट, टेबल्स एंड ग्राफ्स में। सी, इन्फॉर्मेशन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इन्फॉर्मेशन आपकी टेक्स्ट फॉर्म में भी होती है, टेबल फॉर्म में भी है, ग्राफ्स फॉर्म में भी है, ठीक है। कंटेंट्स ऑफ मेन मेमोरी, तो मेन मेमोरी का कंटेंट बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेन मेमोरी में तो वो रखा जाएगा जो CPU प्रोसेस कर रहा है। प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं हम, ठीक है, तो प्रोग्राम्स तो बनाए गए नहीं, तो क्या करता है ये, इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइस इन अ कंप्यूटर सिस्टम, इनमें से कौन सा पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब होता है बाह्य उपकरण, बाहर से जो अटैच हो, पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइस इन अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा है जो कि पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, कौन सा, बिल्कुल। कीबोर्ड भी हम बाहर से लगाते हैं, ऑप्टिकल ड्राइव भी, प्रिंटर भी, लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव आपकी कहाँ होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव आपके सिस्टम में ही होती है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कि फोर्थ ऑप्शन आपका पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, बाह्य उपकरण नहीं है, ये इंटरनल डिवाइस है या फिर आपके सिस्टम में अंदर ही लगी होती है। एक्चुअली ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है, इंटरनल और एक्सटर्नली भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट आपकी इंटरनली ये लग कर आती है, ठीक है। और आजकल HDD की जगह पे क्या यूज हो रहा है, SSD, SSD जिसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट है आपका, किसका, इसका ऑप्शन क्या था, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव आपकी CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, ऐसी डिवाइसेस जो कि ऑप्टिकल से चलती हैं, तो CD, DVD इनको हम ऑप्टिकल ड्राइव बोलते हैं। जैसे आपके आजकल के लैपटॉप SSD में नहीं, बट पुराने लैपटॉप में देखोगे तो DVD ड्राइव होता है, तो उस ड्राइव को हम बोलते हैं ऑप्टिकल ड्राइव। चले नेक्स्ट है, अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स फॉर मेनी PCs, वर्कस्टेशन एंड अदर कंप्यूटर इज एन सेंट्रल कंप्यूटर। एक सेंट्रल कंप्यूटर है, वो क्या होल्ड करता है, मतलब जो कि मिडल में रखा है, केंद्र बिंदु है, वो क्या होल्ड करता है, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स फॉर मेनी PCs, वर्कस्टेशन, बहुत सारे
लैपटॉप्स का, कंप्यूटर्स का डेटा होल्ड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वर। सुपर कंप्यूटर एक अकेला कंप्यूटर है जो कि बहुत सारे बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हैंडल कर सकता है। मिनी कंप्यूटर आपका मेन फ्रेम के बाद आपका मिनी फ्रेम आता है या मिनी कंप्यूटर आता है, वो आपका कोई भी इन्वेंट्री का काम हो उसके लिए यूजफुल है। लैपटॉप्स आपके डेली लाइफ के लिए, बट सर्वर ऐसे कंप्यूटर हैं या सर्वर ऐसे सिस्टम्स हैं जिनमें बहुत सारे सिस्टम अपना डेटा स्टोर करते हैं और रिट्रीव करते हैं। नेक्स्ट है, प्रोसेसर स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। प्रोसेसर की स्पीड किस में मेजर की जाती है? बिट्स पर सेकेंड, पहला ऑप्शन है बिट्स पर सेकेंड, दूसरा है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, बॉड या बॉड रेट इसको बोलते हैं। ये कोई भी सिग्नल या सिग्नल चेंजेस, जब सिग्नल्स भेजे जाते हैं उनके रेट को डील करता है, और हर्ट्ज आपकी क्लॉक स्पीड्स बताता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, बीपीएस नहीं होगा। सी बिट्स तो बहुत छोटा सा अमाउंट है ना, और कंप्यूटर आपका एक बार में लाखों इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सकता है, ठीक है? तो मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, जो अगर प्रोसेसर की स्पीड बतानी है तो प्रोसेसर की स्पीड MIPS में बताते हैं, ठीक है? और नॉर्मल अगर आपको अपने नेट की स्पीड बतानी है कि कितना नेटवर्क आपको आ रहा है, तो वो हम किसमें बताते हैं? किसमें? नहीं समझ आया, फिर से एक बार। KBPS, KBPS या MBPS, ठीक है? नेक्स्ट है, द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कॉमर्शियल यूज वॉज। कॉमर्शियल यूज के लिए कौन सा बनाया गया था? पहला कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका ENIAC है, लेकिन कॉमर्शियल यूज के लिए कौन सा बनाया गया था? यूनिवर्सल, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, यूनियक। नेक्स्ट है आपका, व्हेन अ डैश इज डिलीटेड द ओरिजिनल एप्लीकेशन फोल्डर और फाइल इज नॉट डिलीटेड। शॉर्टकट, अगर शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट क्या होता है? किसी भी सॉफ्टवेयर की या फोल्डर की या प्रोग्राम का, जब हम एक इमेज फाइल क्रिएट करते हैं तो उस इमेज फाइल को हम क्या बोल सकते हैं? शॉर्टकट, ठीक है? जब आप उस इमेज फाइल को डिलीट करते हैं तो क्या आपका सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाएगा? नहीं। जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल किया अपने मोबाइल में, कोई ऐप इंस्टॉल की, उस ऐप की एक कॉपी आप अपने फ्रंट पेज पे रखते हैं, राइट? जैसे सारी जितनी भी आपकी ऐप्स हैं वो आपकी किस में होती है? मेन मेन्यू में, राइट? बहुत सारी ऐप हैं, उनमें से कुछ ऐप अपने ऊपर रखते हैं आप, जो आपका आपकी स्क्रीन है। तो क्या आप अगर वहां से किसी भी ऐप को रिमूव करते हैं तो वो फाइनली अनइंस्टॉल हो जाता है? नहीं, वो सिर्फ आइकन रिमूव हुआ है वहां से, वही आपका क्या है? शॉर्टकट। और डेस्कटॉप में जो शॉर्टकट होते हैं उनके सामने इस तरह का साइन भी बना रहता है, ठीक है? तो सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा कि अगर आप शॉर्टकट डिलीट करेंगे तो सिर्फ शॉर्टकट डिलीट होगा, कुछ और डिलीट नहीं होगा। चलें नेक्स्ट, डैश कंट्रोल्स द वे इन विच द कंप्यूटर सिस्टम फंक्शंस एंड प्रोवाइड्स अ मींस बाय विच यूजर कैन इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर। कंट्रोल द वे इन विच द कंप्यूटर सिस्टम फंक्शंस एंड प्रोवाइड अ मींस बाय विच यूजर कैन इंटरैक्ट। इंटरैक्शन के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है, ठीक है? सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम से इंटरैक्ट करने के लिए अगर यूजर को इंटरैक्ट कराना है तो हम क्या यूज करते हैं?
ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मदरबोर्ड क्या है आपका? मदरबोर्ड एक हार्डवेयर है जो कि पूरे के पूरे सिस्टम में जो फंक्शनैलिटीज है, आपका प्रोसेसर कहाँ पे है, आपकी रैम, आपकी कैश, आपके जो भी ग्राफिक्स कार्ड है, वीडियो कार्ड, ऑडियो कार्ड, वो सब कहाँ पे रखा हुआ है? आपके मदरबोर्ड में। प्लेटफॉर्म इज नथिंग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि यूजर के लिए बनाए गए हैं और यूजर उनको इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट है, द ऑपरेटिंग सिस्टम डज ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इनमें से सब करता है एक काम को छोड़ के, क्या है? प्रोवाइड अ वे फॉर द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। इनेबल यूजर टू, ओके लेट मी जस्ट रीड, इनेबल यूजर्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क सच एज डॉक्यूमेंट एडिटिंग, मैनेज मेमोरी एंड स्टोरेज, मैनेज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है मैनेजमेंट, तो वो तो करेगा राइट, लेकिन वो किसी यूजर को फोर्स नहीं कर सकता, वो किसी यूजर को इनेबल नहीं कर सकता कि चलो आप डॉक्यूमेंट एडिटिंग कर लो राइट, वो यूजर अपने अकॉर्डिंग करेगा। तो बी ऑप्शन यहां पर गलत होगा, या फिर आप कह सकते हैं बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये तीनों काम करता है एक्सेप्ट दिस वन, इनेबल यूजर्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। किसी भी, अब ऐसे थोड़ी नहीं कि आप सो रहे हैं और आपको बोले कि आप कोई दूसरा काम करो, या फिर आप अगर डॉक्यूमेंट एडिटिंग कर रहे हैं तो आप एप्लीकेशन प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम बस उसको मैनेज करेगा। नेक्स्ट है, विंडोज 7 द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन हैज हाउ मेनी लैंग्वेजेस? 49 इंडियन फॉन्ट, टोटल 49 इंडियन फॉन्ट आपके विंडोज 7 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अ ग्रुपवेयर इज अ, ग्रुपवेयर क्या है? ग्रुपवेयर क्या है? ग्रुपवेयर एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, फर्मवेयर भी आपका सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क आप जानते ही हैं, अभी हमने डिस्कस नहीं किया है नेटवर्क, जब नेटवर्क डिस्कस करेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। हार्डवेयर आपको पता है जिसको आप टच कर सकते हैं। ठीक है, फर्मवेयर और ग्रुपवेयर एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है। अब फर्म, पहले हम ग्रुपवेयर की बात करते हैं। ग्रुपवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनसे, जिनका यूज करके हम कम्युनिकेट करते हैं, जैसे आपका आउटलुक हो गया, जीमेल हो गया, या गूगल वर्कस्पेस हो गया, ये मेनली आपके ग्रुपवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं, जहाँ पे शेयरिंग बहुत ज्यादा होती है कंपनीज में कि सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो गूगल वर्कस्पेस क्रिएट कर दिया, उसी उस प्रोजेक्ट की जो भी डिटेल्स हैं, जो भी काम है, जैसे मान लीजिए एक बंदा एब्सेंट है और जो आज काम हुआ है वो कल आएगा उस वर्क स्पेस पे देखेगा, क्योंकि वो शेयरिंग मोड में है, तो उस वर्क स्पेस पे जाएगा कि अच्छा ये काम हो चुका है, इसके आगे का काम हमें करना है। तो ग्रुपवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि शेयरिंग मोड में, या फिर आप कह सकते हैं इंटरपर्सन, पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका जीमेल हो गया, आउटलुक हो गया, या फिर आपका गूगल वर्क स्पेस की बात करें। और फर्मवेयर कैसे सॉफ्टवेयर हैं? फर्मवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट आपका कैसा सॉफ्टवेयर है? फर्मवेयर, या फिर आप बोल सकते हैं जो रोम में है वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है और वो एक फर्मवेयर है। फर्मवेयर आपके परमानेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम वुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डिजिटल सर्किट? बाइनरी, सिंपल सी बात है, अगर डिजिटल सिस्टम की बात करेंगे तो बाइनरी ही रिकॉग्नाइज करेगा, वो 0-1 या मशीन लैंग्वेज ही पे ही काम करेगा राइट। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपैक्ट प्रिंटर, इनमें से इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है? डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर मैंने बताया था उसमें इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट दो तरह के प्रिंटर बताए थे। इंपैक्ट प्रिंटर में कौन कौन सा था आपका? एक तो कैरेक्टर प्रिंटर था और दूसरा लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर में आपके डॉट मैट्रिक्स थे,
और डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर में हाँ लाइन प्रिंटर में ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर, ये आपके कैसे प्रिंटर हैं इम्पैक्ट। और नॉन इम्पैक्ट में मैंने क्या बताया था, नॉन इम्पैक्ट में आपके लेजर और इंक जेट प्रिंटर, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, डेजी व्हील प्रिंटर। नेक्स्ट है, विच कंप्यूटर वॉज द फर्स्ट टू यूज द मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी। मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया गया था, इनमें से कौन सा सिस्टम सबसे पहले मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया गया था, तो वो है आईबीएम 650, ठीक है। ये रटने वाली चीज है कि आईबीएम 650 में मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। चलें नेक्स्ट है, विच वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कंस्ट्रक्टेड द मूरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, एनियाक। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अगर एनियाक है तो वो कहीं भी बनाया गया हो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो हमें पता है, राइट। एनियाक, एनियाक की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। चले नेक्स्ट है, रीअरेंजिंग एंड एलोकेटिंग स्पेस इन मेमोरी टू प्रोवाइड फॉर मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क इज कॉल्ड रीअरेंजिंग एंड एलोकेटिंग स्पेस इन मेमोरी। जैसे अगर मेमोरी में कोई डेटा है तो इनको आप रीअरेंज कर रहे हैं और प्रोवाइडिंग स्पेस, कोई भी दूसरा डेटा है तो उसको स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क, इसको हम बोलेंगे मेमोरी मैनेजमेंट। सी मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या काम है, जब आप एक साथ एक से ज्यादा काम करते हैं। यहाँ पे रीअरेंजमेंट की बात नहीं आ रही है, मल्टीटास्किंग की तब बात आती है जब आप मल्टीपल यूजर अलग अलग टास्क करते हैं। और मेमोरी मैनेजमेंट जब आपके पास, जैसे ये मेमोरी है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए इतना स्पेस है, फिर इतना स्पेस, पूरा स्पेस मान लीजिए अभी फ्री था, फिर इसमें से कुछ चीजें हमने डिलीट की, मान लीजिए ये वाला पार्ट हमने इतना डिलीट कर दिया, यहाँ से ये वाला पार्ट डिलीट कर दिया। अब एक ऐसी फाइल आई जो कि इतनी बड़ी है, अब क्या करना है, इसको हमें रीअरेंज करना है जिससे कि ये फाइल एक बार में सेट हो जाए। तो इस फाइल को स्पेस प्रोवाइड करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, डीफ्रेगमेंट जिसको बोलते हैं, रीअरेंज कर दिया। अब रीअरेंज जैसे ही करेंगे तो ये वाली फाइल भी कहाँ सेट हो गई, यहाँ पे। तो ये काम किसका है, मेमोरी मैनेजमेंट का। और कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा हायरार्की। डेटा हायरार्की में असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। ए, अच्छा, सी, चले यहां पे सबसे पहले आपका क्या आता है, बिट सबसे छोटी इकाई, उसके बाद आपकी क्या आती है, बाइट। बाइट से हम क्या बनाते हैं, फील्ड। फील्ड से ही आपके क्या बनते हैं, रिकॉर्ड्स। और रिकॉर्ड्स किस में रखे जाते हैं, और फाइल के बाद, फाइल से हमारे क्या बनते हैं, फोल्डर्स। और फोल्डर से हमारे क्या बनते हैं, डेटाबेस, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही होगा, बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल एंड डेटाबेस, ठीक है। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ओके, ये फील्ड क्या है, सी फील्ड का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप टेबल के फॉर्म में कुछ भी बना रहे हैं, तो अगर एक टेबल है
तो टेबल में छोटे छोटे सेल्स होते हैं, राइट। इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, ये एक फील्ड है, ये दो फील्ड, ये तीन फील्ड, और इन फील्ड्स में जब पूरा डेटा हमने रख दिया तो ये पूरा क्या बन गया, हमारा रिकॉर्ड, ठीक है। और ये रिकॉर्ड ही हमारा क्या हो गया, फाइल, करेक्ट है। ये रिकॉर्ड कहीं किसी फाइल में होगा तो उस फाइल को हम क्या बोलेंगे, मतलब उसको क्या बोलेंगे, फाइल। डेटाबेस, डेटाबेस होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, जैसे आपकी मेमोरी, हार्ड डिस्क में आप बहुत सारा डेटा स्टोर कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेटाबेस। कहीं भी जैसे अगर मैनुअली भी बहुत सारी फाइल्स इकट्ठा करें, हॉस्पिटल की अगर बात करें तो हॉस्पिटल में का जो स्टोर रूम है जहां पे फाइल्स रखी हुई है वो पूरा हॉस्पिटल का डेटाबेस होगा कि पूरे हॉस्पिटल की डिटेल्स जहां पे रखी हुई है, राइट। उसी तरह से जैसे आपके डेटाबेस की बात करें तो आपके कंप्यूटर की मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज जिसको आप बोलते हैं, वहां पे आपका क्या, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, आपकी मूवी है, आपके गाने हैं, आपके पीडीएफ्स हैं, वर्ड फाइल है, सब कुछ वहीं पे रखा हुआ है, तो सारी चीजें मिला के क्या हो गई, वो डेटाबेस, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपेरा क्या है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी है, ये भी है। ओपेरा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा ओपेरा। तो ओपेरा क्या है, वेब ब्राउजर। ओपेरा को हम क्या बोलते हैं, वेब ब्राउजर। चले नेक्स्ट, डैश इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर टुगेदर एंड मेक इट वर्क। डिफरेंट हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर टूगेदर एंड मेक इट वर्क, मदरबोर्ड, ठीक है। सीपीयू ऑप्शन नहीं होगा, मेमोरी ऑप्शन नहीं होगा, हार्डवेयर ऑप्शन नहीं होगा, मदरबोर्ड। मैंने आपको अभी बताया कि मदरबोर्ड में बहुत सारे हार्डवेयर, आपका रैम भी है, कैश भी है, ग्राफिक्स कार्ड भी है, वीडियो कार्ड भी है, सीपीयू भी है यहीं पे, सॉरी प्रोसेसर भी आपके यहीं पे है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपकी किस में आती हैं, मदरबोर्ड में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यूज टू कनेक्ट डिफरेंट हार्डवेयर, तो रैम, रोम, कैश, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। इन सारे हार्डवेयर को कनेक्ट किया जाता है और उनको उनसे ऑपरेट किया जाता है, हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर एंड मेक इट वर्क, ठीक है, उनको उनसे काम कराया जाता है। नेक्स्ट है, मदरबोर्ड सीपीयू के अंदर, हाँ, देखो सही क्वेश्चन पूछा। अब हम ऐसे देखते हैं, सबसे पहले अगर इस वाले सिस्टम की बात करें, राइट, जहां पे ये कीबोर्ड रखा हुआ है, ये सीपीयू है आपका, है ना। अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो इसको हम पूरा सीपीयू बोल देते हैं, बट सीपीयू क्या है, जो प्रोसेसर है मेन उसको हम सीपीयू बोलते हैं, बट इस पूरे डिब्बे को सीपीयू का नाम दिया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस पूरे डिब्बे में वो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो भी है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, मदर बोर्ड इतने बड़े डिब्बे में लगाई जाती थी और इसी डिब्बे में आपकी पावर बटन भी है, सारी यूएसबी भी है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, सब कुछ इसी में है। मेन सर्किट जो है वो क्या है, ये मदरबोर्ड, ठीक है। इसी मदरबोर्ड से, इसी मदरबोर्ड में आपके सीपीयू लगे हुए हैं, रैम भी इसी मदरबोर्ड में है, हार्ड डिस्क भी यहीं कहीं है, जो आपका जैसे ग्राफिक्स जो आप यूज कर रहे हैं वो भी यहीं है, और ये जो पोर्ट आपको दिख रहे हैं इनका कनेक्शन भी यहीं से आ रहा है, ठीक है। यहीं आप डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हैं और इस पूरे डिब्बे को हमने क्या बोला, सीपीयू, राइट। अब हम बात करेंगे लैपटॉप की, तो लैपटॉप में सीपीयू कहाँ दिखता है आपको, नहीं दिखता, बट क्या सीपीयू नहीं होता यहाँ पे, यहाँ पे भी सीपीयू होता है। अब यहाँ पे जो मदरबोर्ड है वो आपकी इसके अंदर लगी हुई है, समझ रहे हो, ये जो पार्ट है यहाँ पे आपकी मदरबोर्ड। अब यहाँ पे भी आपकी रैम है, रोम है, सीपीयूज है, कैश है, सब कुछ है, और पोर्ट आपके कहाँ पे है, साइड में, और सारे वायर्स आपके यहां से निकले हुए हैं, ठीक है। तो
जो हार्डवेयर है वो यहाँ पे लगा हुआ है, पूरा हार्डवेयर, चाहे आप प्रोसेसर, सी कोई भी चीज है, अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर भी तो बनाया गया है राइट, और उसके बाद उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, रैम भी बना के यहाँ पे इम्प्लीमेंट, तो ये मदरबोर्ड का नाम ही है ना, उसका नाम ही इसीलिए मदरबोर्ड रखा गया है कि सारी चीजें यहाँ पे। और ये जो ये पोर्ट आपको दिख रहे हैं ये काम कैसे करते हैं, क्योंकि ये पीछे से मदरबोर्ड से ही कनेक्टेड है ठीक है। और मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में भी आपका जो 3.5 mm जैक है या फिर आपका यूएसबी पोर्ट है टाइप सी वाला, वो सारे भी आपके छोटी सी मदरबोर्ड है, उसमें आपका रैम रोम इंटरनल मेमोरी जो भी है और पोर्ट भी उसी से कनेक्टेड है ठीक है। तो ये थोड़ा सा नक्शा बदल जाता है, तो आप हमने लगता है कि ये जो डिब्बा है वही सीपीयू है। मेन सीपीयू क्या है, जो प्रोसेसर्स हैं इनके नाम पे इस डिब्बे का नाम ही रख दिया गया है सीपीयू, क्लियर है। बाकी अगर इस डिब्बे की बात करें तो इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, ये थोड़ी ना सीपीयू है ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है, जीयूआई किसके बीच एक इंटरफेस के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाँ अच्छा रह गया है कौन सा, ओके थैंक यू। इन एमएस वर्ड द गटर पोजीशन कैन बी सेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस। गटर पोजीशन पढ़ाया था कल, क्या है, बाइंडिंग के लिए जब हम मार्जिन छोड़ते हैं तो वो मार्जिन क्या कहलाता है, गटर मार्जिन। और गटर मार्जिन आपका जैसे क्योंकि मेन बाइंडिंग पर्पस से ही हम इसको छोड़ रहे हैं, तो अगर बुक की बात करें तो बुक आपकी ऐसे होती है, दो मतलब दो पेजेस होते हैं इसमें, तो आप एक पेज में अगर आप मार्जिन छोड़ेंगे, अगर मैं इस पेज की बात करूं तो आपने सिर्फ एक साइड मार्जिन छोड़ा, लेफ्ट साइड यहाँ पे मार्जिन छोड़ा और इसका मिरर बना दिया ठीक है। आपने क्या किया, सिर्फ लेफ्ट साइड मार्जिन छोड़ा, और अगर मिरर बना देंगे तो जो राइट साइड वाला है वो भी सेम मार्जिन हो जाएगा ठीक है। अगर मैंने टॉप में मार्जिन छोड़ा और मिरर मार्जिन बना दिया, तो मिरर मार्जिन का क्या होता है, मिरर इमेज बनाना, तो बॉटम साइज भी सेम हो जाएगा ठीक है। तो गटर पोजीशन या गटर मार्जिन आपके लेफ्ट एंड टॉप में छोड़े जाते हैं ठीक है। इन एमएस वर्ड द गटर पोजीशन कैन बी सेट इन टॉप लेफ्ट एंड टॉप पोजीशंस, लेफ्ट साइड में एंड टॉप साइड में, जब हम सी इसीलिए एक आपको मिलेगा मिरर मार्जिन, और मिरर मार्जिन का काम ही यही है कि गटर मार्जिन अगर छोड़ा जा रहा है तो उसकी मिरर इमेज बना दो, तो दोनों साइड वो मिरर इमेज बन गई, तो लेफ्ट साइड है तो राइट साइड भी हो जाएगा ठीक है। तो यहां पे सही करेक्ट ऑप्शन है लेफ्ट एंड टॉप साइड पे। नेक्स्ट है, जीयूआई किसके बीच एक इंटरफेस के रूप में प्रयोग किया जाता है। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस जीयूआई की फुल फॉर्म है। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस किसके बीच में इंटरफेस है जीयूआई, बताओ, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर, बिल्कुल सॉफ्टवेयर एंड यूजर। जैसे और सॉफ्टवेयर क्या है आपका, मेन सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर के बीच में जो आपका ग्राफिक्स है वो आपका क्या है, मेन इंटरफेस ठीक है। सी इंटरफेस का सिंपल सा मतलब है कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ग्राफिक्स ही आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है किसी भी सॉफ्टवेयर से डील करने के लिए ठीक है। आपके पास अगर सॉफ्टवेयर है, मान लीजिए वो सॉफ्टवेयर सिर्फ कमांड से चलता है, तो आपको कमांड सीखनी पड़ेंगी उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और अगर ग्राफिक्स है तो आप सिंपल डबल क्लिक कर रहे हैं, तो ग्राफिक्स आपको सॉफ्टवेयर से डील करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड 2007 में 36 पॉइंट का फॉन्ट साइज कितने इंच के बराबर होता है। 0.5 ठीक है। एमएस वर्ड में हाईएस्ट कितना जाता है,
फॉन्ट साइज 1 इंच का, राइट, जिस जिसको हम बोलते हैं 72 पॉइंट्स, और मिनिमम कितना रहता है 8, ठीक है, मिनिमम आपका 8 पॉइंट और मैक्सिमम आपका कितना है 72। और अगर आप अपने आप से मिनिमम करना चाहें तो 1 से लेके 1638, मैक्सिमम 1638 और मिनिमम आप 1 पॉइंट तक कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 इंच मैक्सिमम है 72 पॉइंट, मतलब ये बाय डिफॉल्ट की बात कर रही हूँ कि मिनिमम आपका कितना है 8 पॉइंट और 1 इंच आपका कितना है 72 पॉइंट। तो 32 पॉइंट अप्रोक्स कितना पड़ेगा, 0.5, ठीक है, 32 पॉइंट कितना है 0.5 अप्रोक्स, क्योंकि अगर मैं 1 पॉइंट की बात करूं तो 1 पॉइंट में अप्रोक्स 0.0133 या 34 इतने इंच होते हैं, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 32 में अप्रोक्स आपका आता है 0.44, और इसको हम क्या बोल सकते हैं 0.5, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो ठीक है। और 72 का क्या है 1 इंच। नेक्स्ट है एमएस वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू बार का एक विकल्प नहीं है, इंटरनेट, बिल्कुल। मेन्यू बार आपको पता है सबसे ऊपर कौन सा होता है, टाइटल बार, टाइटल बार के बाद मेन्यू बार, और इसी मेन्यू बार को अब हम क्या बोलते हैं टैब, राइट, और इन टैब के नीचे क्या होता है रिबन, इन्हीं टैब की डिटेल्स, राइट, इनमें जो भी ऑप्शन है वो रिबन के फॉर्म में यहाँ आते हैं। तो इन जो टैब्स हैं, फाइल टैब, होम टैब, डिजाइन टैब, रिव्यू टैब, लेआउट टैब, व्यू टैब, सर्च टैब, इसमें आपका इंटरनेट टैब नहीं होता, ठीक है। बाकी इंसर्ट, होम, पेज लेआउट, ये टैब्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका एमएस वर्ड 2007 में, ये आई गेस बहुत पुराना पेपर है, क्योंकि अगर आप 2022 का पेपर या 2021 का पेपर देखें तो उसमें 2019 के क्वेश्चन ज्यादा पूछे, एमएस वर्ड 2019, राइट। एमएस वर्ड 2007 में किसी टेबल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल अलाइनमेंट सेल को संरेखित करने का एक विकल्प नहीं है, अलाइन, क्रॉस। देखो सेल अलाइनमेंट की अगर हम बात करें, सेल क्या है आपका, ये टेबल है, टेबल आपका रो और कॉलम्स में डिवाइड होता है, कॉलम्स कितने हो सकते हैं मैक्सिमम 63, और रो आपकी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड रो हो सकती है, राइट, इसको हम क्या बोलेंगे एक सेल। अब इस सेल में 9 तरह से अलाइनमेंट हो सकता है, कितने तरह से, 9 टाइप्स, कौन कौन सा, सबसे पहले तो सेंटर अलाइनमेंट, इस साइड क्या है राइट अलाइनमेंट, ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, ये आपका क्या है टॉप सेंटर, ये टॉप, सॉरी बॉटम सेंटर, राइट, ये आपका है टॉप लेफ्ट, इस यहां पे लिख दे रही हूं, ये है टॉप लेफ्ट, और इसी सेल में ये क्या है टॉप राइट, और ये क्या है बॉटम लेफ्ट, और इस साइड क्या है बॉटम राइट, तो कितने हुए 9, ठीक है। तो 9 तरह से अलाइनमेंट होता है, क्रॉस अलाइनमेंट नहीं होता, ये आपका सही ऑप्शन है, मतलब इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन है, ठीक है। बाकी टॉप लेफ्ट, बॉटम राइट, ये सारे अलाइनमेंट आपके होते हैं। नेक्स्ट है एमएस वर्ड 2007 में टेबल प्रॉपर्टीज के बॉर्डर और शेडिंग विकल्प का उपयोग निम्नलिखित में से किसे अप्लाई करने के लिए किया जा सकता है, बॉर्डर को अप्लाई करने के लिए एमएस वर्ड में टेबल प्रॉपर्टीज के बॉर्डर और शेडिंग। सिंपल आपको बॉर्डर्स, बॉर्डर क्या है कि अगर कोई टेबल है तो टेबल का ये जो बॉर्डर है वो कैसा होगा, डॉटेड होगा, डबल लाइंस होगा, या किस टाइप का बॉर्डर होगा, बॉर्डर को ही बताने के लिए तो उसके शेड्स और बॉर्डर्स बताए जाएंगे, राइट। मार्जिन तो आपका ये हो गया ना कि लिखना कितना है, मार्जिन तो आपका ये हो गया ना कि यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, राइट, तो बॉर्डर के लिए ही आपका बॉर्डर और शेडिंग इस्तेमाल किया जाता है।
ओरिएंटेशन होता है आपका कि पेज आपका वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट मोड, और ये क्या है लैंडस्केप। चले नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है? नहीं, टॉप मैंने आपको बताया था, जस्टिफाई अब कल ही मैंने बताया, जस्टिफाई की शॉर्टकट बताएं, कंट्रोल प्लस जे लेफ्ट के लिए, कंट्रोल प्लस राइट के लिए, सेंटर के लिए, तो ये सारे अलाइनमेंट होते हैं, लेकिन टॉप अलाइनमेंट नहीं होता, टॉप या बॉटम अलाइनमेंट नहीं होता, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब यहां से यहां तक लिखा, वो ऑटोमेटिक यहां पे आ जाएगा, फिर यहां पे, फिर यहां पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एमएस वर्ड में एक टेक्स्ट एक साथ इटैलिक और बोल्ड दोनों नहीं हो सकता है। एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट में फॉन्ट का आकार 8 से कम नहीं हो सकता है। हाँ, दोनों गलत है या दोनों सही है? दोनों सही है। अभी मैंने बताया कि 8 से स्टार्ट होता है, 8 से 72 तक बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है कि आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मैनुअली आपको करना है तो आप कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं? 1 से लेके 1638 तक। तो पहला तो, दूसरा वाला तो गलत हो गया है ना, कि फॉन्ट साइज 8 से कम नहीं हो सकता, आप एक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पहला एक साथ अगर आपने किसी फॉन्ट को बोल्ड कर दिया है तो क्या आप उसको इटैलिक नहीं कर पाएंगे, क्या अंडरलाइन नहीं कर पाएंगे? तो ये भी आपका क्या हो गया, तो पहला और दूसरा दोनों ही क्या है, गलत है। हाँ, एक साथ का मतलब ये नहीं कि आप एक ही बार में की प्रेस करें, एक साथ का मतलब कि आपने एक ही टेक्स्ट को पहले मैंने बोल्ड में लिखा है, अब अगर मैं इसमें इटैलिक की प्रॉपर्टी लगाऊंगी तो वो नहीं लगेगी, नहीं, इटैलिक की प्रॉपर्टी लगाऊंगी तो ये बोल्ड वाला इटैलिक भी हो जाएगा, ठीक है। एक साथ का मतलब ये नहीं कि आप एक साथ बोल्ड और इटैलिक दोनों प्रेस कर रहे हैं तो नहीं होगा, वो तो फिर अलग अलग प्रॉपर्टी है ना। एमएस वर्ड, वैसे उस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि एक ही बटन में आपका बोल्ड और इटैलिक तो होता नहीं है, राइट? तो हम कह सकते हैं कि एक एक बटन से हम बोल्ड इटैलिक नहीं कर सकते, लेकिन ये सबको पता है, तो जब क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बोल्ड और इटैलिक एक बार में नहीं बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि एक फॉन्ट को बोल्ड और इटैलिक दोनों एक साथ नहीं किया जा सकता। तो आप चाहे बोल्ड करें, चाहे इटैलिक करें, चाहे अंडरलाइन करें, कर सकते हैं। चलें, अच्छा, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल ए। और अगर सिर्फ एक की को, एक वर्ड को चूज करना है तो डबल क्लिक, एक वर्ड को चूज करना है तो डबल क्लिक, और अगर माउस के थ्रू एक वर्ड को चूज करना है तो शिफ्ट प्लस एरो, जिस साइड भी चूज करना है। अगर आपको इस साइड कर्सर यहां पे है, इसके इस साइड चूज करना है तो ये वाला एरो, और अगर इस साइड चूज करना है तो ये वाला एरो, और मल्टीपल लाइंस चूज करनी है तो डाउन एरो, नीचे से ऊपर मल्टीपल, जैसे कर्सर यहां पे है नीचे से ऊपर तो अप एरो, ठीक है। शिफ्ट के साथ आप एरोस की का यूज करके कर सकते हैं। क्या हुआ, मेरा भी मन करता है हंसने का, बस कंटेंट तो दो आप लोग। इसका मतलब आपका कंसंट्रेशन कमजोर है, मैं तो डिस्टर्ब नहीं हो रही हूं। चल ठीक है, तो कंट्रोल ए आपका सारा पूरा सिलेक्ट करना है। अगर एक पैराग्राफ सिलेक्ट करना है आपको, तो अगर
थ्रू एक पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, ट्रिपल क्लिक, लेफ्ट राइट नहीं, लेफ्ट को जब हम लेफ्ट बटन को ट्रिपल क्लिक करेंगे, 3 बार क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ उसको क्या करना है, कंट्रोल के साथ प्लस, कंट्रोल प्लस से वो जूम हो जाएगा। हाँ अच्छा स्क्रॉल, हाँ वो तो आप माउस का यूज कर रहे हैं ना, सिर्फ कीबोर्ड का यूज करो तब। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से क्या एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का विकल्प नहीं है, कैरेक्टर को फॉर्मेट करने का विकल्प नहीं है, बताओ। कैरेक्टर क्या होता है, कोई भी कुछ भी लिखा है इसको फॉर्मेट करना है राइट, तो फॉर्मेट करने का मतलब क्या है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, अलाइनमेंट, इसको अलाइन कर रहे हैं तो भी आप क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट कर रहे हैं, स्टाइल चेंज कर रहे हैं तो भी, साइज कर रहे हैं तो भी, फॉन्ट क्या है, फॉन्ट के आगे कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो फॉन्ट तो सिंपल यही, अगर यहां पे लिखा हो फॉन्ट साइज, अच्छा साइज तो यहाँ पे मेंशन है, स्टाइल भी मेंशन है। सी यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ फॉन्ट लिखा है तो वो तो साइज में आ गया ना राइट, ये स्टाइल हो गया, सिर्फ फॉन्ट लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि अलाइनमेंट कैरेक्टर की बात है इस वजह से मेरे माइंड में जो ऑप्शन आ रहे हैं वो है अलाइनमेंट, कि हम कैरेक्टर में फॉर्मेटिंग नहीं कर रहे हैं, हम इस पूरे डॉक्यूमेंट में की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं राइट, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फॉन्ट लिखा है तो ये ऑप्शन भी आपका हो सकता है ठीक है। इसको हम, मैं एक बार देख लूंगी, क्योंकि ये सिर्फ फॉन्ट की वजह से, या तो इसके आगे कुछ मिसप्रिंट है राइट, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन निकल के आ रहे हैं, आप अलाइनमेंट भी कह सकते हैं कि कैरेक्टर की बात है तो एक कैरेक्टर की स्टाइलिंग करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है तो इसको मैं बोल्ड कर सकती हूँ, इटैलिक कर सकती हूँ, साइज चेंज कर सकती हूँ, इसका स्टाइल चेंज कर सकती हूँ राइट। अलाइनमेंट इसकी फॉर्मेटिंग नहीं हुई, अलाइनमेंट पूरे पेज की फॉर्मेटिंग हुई ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका हो सकता है, बट यहाँ पे फॉन्ट के आगे कुछ और भी लिखा होना चाहिए ठीक है, क्योंकि फॉन्ट क्या है, फॉन्ट तो सिंपल वो वर्ड है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मेन्यू टैब के तहत पेज सेट अप का विकल्प उपलब्ध होता है, पेज लेआउट ठीक है, पेज लेआउट, रिव्यू, होम, इंसर्ट, ये ऑप्शंस में नहीं है। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में टेबल में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, टेबल प्रॉपर्टीज, टेबल में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका, ट्रांसलेट, इंसर्ट, डिफाइन, टेबल प्रॉपर्टीज ठीक है, टेबल की प्रॉपर्टीज का यूज करके हम उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली आज थोड़ा सा जल्दी जाना था मुझे, तो आई गेस एक दो क्वेश्चन के बाद हम वाइंड अप करेंगे ठीक है, मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना है। एमएस वर्ड में पैराग्राफ में एक वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, एमएस वर्ड में पैराग्राफ में एक वाक्य को, एक वाक्य का क्या मतलब होता है, एक पूरा का पूरा सेंटेंस, कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए उस पर क्लिक, वाक्य मतलब मुझे मेरे हिसाब से वर्ड होता है राइट, सेंटेंस होता है, वर्ड मतलब शब्द ठीक है, सेंटेंस, वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए उस पर ऑल्ट प्लस की क्लिक नहीं, वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए उस पर कंट्रोल प्लस क्लिक,
वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए उस पर ट्रिपल क्लिक, अगर ट्रिपल क्लिक करेंगे तो सेंटेंस नहीं पूरा का पूरा पैराग्राफ होगा। वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए उस पर डबल क्लिक, और डबल क्लिक करेंगे तो वाक्य नहीं सिर्फ वर्ड सिलेक्ट होगा या शब्द सिलेक्ट होगा। तो कंट्रोल की के साथ अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो पूरा का पूरा, कभी आपने किया है कि एक से ज्यादा चीजें जब आपको सिलेक्ट करनी होती हैं तो आपको क्या करना है, कंट्रोल की प्रेस करनी है और उसके बाद सिलेक्ट करते चले जाएं। तो इसी तरह अगर सी डबल क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक वर्ड सिलेक्ट हो रहा है, राइट। अब कंट्रोल के साथ अगर आप आगे क्लिक करते चले जाएंगे तो जितने भी वर्ड हैं उस सेंटेंस में वो सारे क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी, ठीक है। चले एक दो और कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन्स द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स विंडो इन एमएस वर्ड? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कौन सा एमएस वर्ड में कौन ओपन करके देता है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, इसको प्लीज आप चेक करना, राइट। ऑल्ट के साथ होगा, कंट्रोल के साथ तो नहीं होगा, ऑल्ट के साथ होगा, इधर ऑल्ट एफ और ऑल्ट टी, ठीक है, कंट्रोल के साथ तो नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप करना। आज के लिए हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास कल होगी, कल हम पढ़ेंगे एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। अभी इसमें दो चार क्वेश्चंस और होंगे बट अभी मुझे थोड़ा सा जल्दी है आज। ए कंट्रोल डी, अच्छा ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कंट्रोल डी। एक बार